जो भी आया, चाहे वो वर्दी में आया, वर्दी के बगैर आया, अदलिया के थ्रू आया या वोटों के थ्रू आया, मकसद उसका पावर था इस मुल्क में और दौलत थी कि वो 70 मिलियन जो मरियम नवाज आपने मशाल ओबामा से लड़कियों की एजुकेशन के लिए लिया था, वो 70 मिलियन कहाँ है? कराची में इसका केस भी चलाया, वो भी आप दबा दिया गया, ना लंदन के फ्लाइट काम आने हैं, ना स्विस बैंक्स काम आने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मरियम नवाज, जस्टिस साकब का मर्सिया दफा करो, क्योंकि हर एक ने कैफरे किरदार तक पहुंच जाना है। उससे पहले जो जस्टिस था, जिसको शराब पिला के आपने बातें गुलवाई, वो भी कब्र में चला गया, सब ने चले जाना है। मकाफत अमल है, ये आप ही की अदलिया है, आप लोगों का ही निज़ाम है, ये करप्ट निज़ाम, ये अदालतों के ऊपर हमले करना, सुप्रीम कोर्ट पे हमले करना, वकील की बजाय जज खरीदना, ये अदलिया का जो आज निज़ाम जिसपे आप नोहा कना है, ये आप ही लोगों के दिए हुए तोहफे हैं। और जो आप उनसे सवाल पूछ रही हैं, मैं पंजाबी का एक मुहावरा बोलांगी कि हथां दीआं गंढां दंदां नाल खोलनियां पैंदियां, ठीक है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो तीन तीन अदवार रहे हैं, उसमें एक निजाम ऐसा सेट हो गया है अदलिया का भी कि आप मुकाफात अमल भुगत रहे हैं। आप लोग जो चीजें, जो बेनजीर भुट्टो की फोटोज या और जितनी प्रोपेगंडा मनफी, किसी की किरदार कुशी, अदालती कुशी, आईनी कुशी, जो भी आप हरबे इस्तेमाल कर सकते थे अपनी ऑपोजिशन को एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और इकतदार की खातिर, आप जिस तरह भी कोई लड़ाई लड़ सकते थे, आईन भी पामाल किया, माशाल्लाह जियाउल हक के कंधों पे आप आए, पीपल्स पार्टी ने क्या क्या कुछ किया, तो ये सारा अब आप भुगत रहे हैं। आप हाथों की दी हुई गिरें अब आप दांतों से खोल रहे हैं। तो अगर ये वीडियो और ऑडियो से बेगुनाहियां कितनी एक दूसरे की आप साबित कर लेंगे, ये सारी इकतदार और पावर और दौलत की खेल है जो 73 साल से इस मुल्क में चल रही है। जो भी आया, ठीक है, चाहे वो वर्दी में आया, वर्दी के बगैर आया, अदलिया के थ्रू आया या वोटों के थ्रू आया, मकसद उसका पावर था इस मुल्क में और दौलत थी, और फिर मुकाफात अमल सारे भुगत के गए हैं। आप सब भी भुगत रहे हैं, आपने भी भुगतना है। और आपने जो 70 मिलियन डॉलर का चेक मिशाल ओबामा से लिया था, जब आप बीमा अहलो अयाल अपने माँ बाप और कुंभे के आई थी, और वो वुमेन गर्ल्स एजुकेशन का था, जो कि पूरा ऑन रिकॉर्ड है हर चीज, तो मुझे खुद इतने साल हो गए ये पूछते हुए कि वो 70 मिलियन जो मरियम नवाज आपने मिशाल ओबामा से लड़कियों की एजुकेशन के लिए, पाकिस्तान के डिजर्विंग स्टूडेंट्स फीमेल के लिए लिया था, वो 70 मिलियन कहाँ है? कराची में इसका केस भी चलाया, वो भी आप दबा दिया गया। तो आप सारों ने जो है ना, बहती गंगा, सब ने इसमें अपने हाथ डुबोए हुए हैं। सिकंदर आजम जो था ना, उसके उस्ताद अरस्तू ने कहा था कि तूने पावर तो बड़ी ले ली, दुनिया में बड़ी ले ली, जाना तो तू खाली आती है। तो सिकंदर आजम ने यही मरते वक्त कहा था कि मेरे दोनों हाथ कब्र से बाहर रखना खाली, ताकि दुनिया को इबरत मिले कि मैं जो पूरी दुनिया फतह कर सकता हूँ, इतना पावरफुल हूँ, मैं खाली हाथ गया हूँ। ना लंदन के फ्लाइट काम आने हैं, ना बनीगाला के बंगले काम आने हैं, ना स्विस बैंक्स काम आने हैं, किसी की जायदाद, सबने खाली हाथ जाना है, और सबने मुकाफात अमल भुगता है और भुगत के जाना है।